हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमाई प्रधान और मैं आपको स्वागत करता हूँ आपका चैनल बाबा बाबा जी को। दोस्तों, आज जो कैप्सूल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो मार्केट में बहुत ही डिमांड है, इसलिए मेरे पास बहुत सारा मैसेज एंड कमेंट आता था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। तो आज हम इसके पूरा जानकारी जैसे इब्यून का बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, डोजेस, प्राइस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्यून कैप्सूल को विटामिन ई के रूप में यूज किया जाता है। इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है टोकोफिराइल एसीटेट। इसको मार्क लिमिटेड कंपनी बनाती है। इब्यून कैप्सूल आपको 200 mg, 400 mg एंड 600 mg में मिल जाएगा। इसका जो 400 mg का 10 कैप्सूल का प्राइस 22 से 30 रुपीज के अंदर स्टेट वाइज वेरी करता है। विटामिन ई एक फैट सोल्युबल विटामिन है। ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इसे आप नेचुरल सोर्सेस से ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, व्हीट्स, ऑयल्स, नट्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जिसे विटामिन ई की बहुत जरूरी होता है। यदि हम इसका बेनिफिट्स की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। ये बॉडी में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। हमारा बॉडी में डैमेज स्किन को रिपेयर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेयर को थिकर बनाता है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर स्किन एंड हेयर के लिए आजकल लोग यूज कर रहे हैं। आई विजन को भी ठीक करता है, मसल को स्ट्रेंथ देता है। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसे लेने से कैंसर की रिस्क कम हो जाता है। इसे यदि आप स्किन या हेयर पर लगाना चाहते हैं तो आप इसका एक कैप्सूल एंड 1 teaspoon बादाम तेल के साथ मिक्स करके उसके बाद इसे हल्का हल्का मालिश कीजिए। यदि हम इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका ज़्यादा सेवन से आपको साइड इफेक्ट दिखा सकता है, जैसे कि उल्टी होना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना। इसलिए इसका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना अच्छा होगा, नहीं तो आप इसका जो डोजेस है वो एक दिन में 400 mg होता है। यदि डॉक्टर इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो ये आपके बॉडी के अनुसार देते हैं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। किसी किसी को इसका एलर्जिक भी होता है। किसी किसी का स्किन में इसे लगाने से वो लाल हो जाता है, किसी का ब्लैक हो जाता है। इसलिए आप एक दो बार स्किन में लगा के देख सकते हैं कि आपके ऊपर ये सूट करता है कि नहीं। यदि सूट करता है तो आप लगा सकते हैं। यदि हम इसका डोजेस की बात करें तो इसका नॉर्मल डोजेस 400 mg होता है। इसे यदि आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। तो मेरे हिसाब से आप इस कैप्सूल को यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की कंसल्ट करके यूज करना बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये था इब्यून कैप्सूल के बारे में। यदि आप इस वीडियो से आपका कुछ भी नॉलेज बढ़ा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।